हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला, इंटीट्यूट टैरो रीडर, मैं फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है, ये वीकली प्रिडिक्शन करूँगी मैं यहाँ पर, ये सप्ताह आपका कैसा रहने वाला है। क्या मतलब मुझे जो मैसेज मिल रहे थे यहाँ पर कि क्या अनएक्सपेक्टेड, क्या अचानक से होगा इस सप्ताह, इस वीक आपके लिए। ओके, तो ये आज का मेरा रीडिंग का थीम है। और जब भी आप, ऐसा नहीं है कि ये वीक मतलब आप देख रहे हो, मतलब आपको ये नहीं देखना है कि ये सिर्फ इसी हफ्ते के लिए था। जब भी आपके सामने आता है यहाँ पर, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेज जरूर है आपके लिए। ओके, और ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें कोई कुछ भी आपको चूज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी अपनी मैसेज से, आप सिचुएशन से मैसेज ले लेना आप यहाँ पर, ठीक है। जनरल रीडिंग है तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो। तो जो होता है, जो रेजोनेट होता है उसे रख लेना, जो नहीं होता है उसे जाने देना। कोई मुझे यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा हंस रहा है यहाँ पर। अच्छा, क्यों हंस रहे हो? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना उस चीज़ के लिए, बहुत स्ट्रांगली मैं फील कर रही हूँ। ओके, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और जैसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। ओके, और कमेंट में मतलब मैं मतलब एक ऐसी, सच बताऊँ ना, एक काफ़ी अच्छा सा एक जब मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं सबसे पहले पता है आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ, सबको साइड में रखती हूँ, क्योंकि मुझे फीलिंग चाहिए। आई होप आप समझ रहे होंगे। ओके, तो थैंक यू, और तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। ओके, बिल्कुल पॉजिटिविटी बनाकर रखो, देखते हैं ये सप्ताह, ये वीक। एंजल्स, यहाँ पर मुझे एंजल्स की फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, जैसे वो बहुत सपोर्ट आपको करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं ये सप्ताह, ये वीक एंजल्स आपको क्या देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, क्या गाइडलाइंस आ रही हैं, कैसा रहेगा ये सप्ताह आपके लिए, ठीक है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहो आप सब भी। थैंक यू सो मच। किसी किसी के लिए तो बहुत मतलब कहते हैं ना कि आश्चर्यचकित होने वाला घटनाएं आप लोगों के साथ घटित होंगी ये सप्ताह, ये वीक। थैंक यू सो मच। टू कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर, तो मैं लूंगी इनको, ठीक है। नाइन ऑफ वैंड्स एंड सेवन ऑफ कप्स, ये सप्ताह ये वीक पर कैसा रहेगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। द हर्मिट एंड नाइन ऑफ कप्स, भाई नाइन की ऊर्जा यहाँ पर आई है, ठीक है। और मतलब मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो सप्ताह, ये वीक रहेगा ना, आप मतलब जो भी पास्ट में जो कुछ भी जिसका भी वेट कर रहे थे ना, वहाँ से आप मूव ऑन कर रहे हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर आप है ना, नाइन नंबर ज़्यादा आया है आपका, तो मतलब आप अपना कुछ, आपके जो कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ आप मतलब जिसके ऊपर काम कर रहे हो, कुछ अचीव आप यहाँ पर करना चाहते हो, बिलीव मी आप बहुत ज़्यादा आप नज़दीक हो उस चीज़ के, ठीक है। और आप अपने सपने के बहुत ज़्यादा मतलब करीब हो, आप अपने खुशियों के बहुत ज़्यादा करीब हो आप यहाँ पर। किसी के लिए ये मैसेज है इस सप्ताह, एक वीक के लिए, ठीक है। एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, द सीड, या ओके, द सन एंड क्वीन ऑफ चैलेंजेस, यस। देखो ये सप्ताह, ये वीक आपका मतलब जो मैंने फर्स्ट मैसेज मुझे वहाँ पर मिले थे कि 99 नंबर आपको बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगा, वो क्यों दिखाई देगा इस सप्ते में, मतलब जैसे 999 या 49 या 333, 999
या मतलब एक 999 किसी भी फ्रिक्वेंसी में आपको नजर आ सकता है ये सप्ताह, ये वीक। मतलब वो क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एंजल्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहेंगे इस सप्ताह ये वीक कि आपके अंदर जिस चीज का भी आप वेट कर रहे हो, जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, एक दुविधा है, एक कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास नहीं कर पा रहे हो आप अपने ऊपर, तो यहाँ पर जैसे वही सब चीजें, वही दुविधा से निकल रहे हो, कॉन्फिडेंस आ रहा है जिसका वेट कर रहे हो, वो भी आपकी आपकी तरफ यहां पर आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहां पर एक जैसे कहते हैं ना कि 9 यहां पर आया, मतलब कोई कोई बहुत बड़ी विश आपकी कंप्लीट हो सकती है, कोई बहुत बड़ा सपना जिसे आप मतलब एक कंफ्यूजन में अटके पड़े थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, दुविधा थी आपके अंदर यहां पर, तो वो आपका जैसे ये सप्ताह ये वीक मतलब आप काफी उन सब चीजों को आप काफी अपने हद तक अपने अंदर महसूस करोगे, क्योंकि वो सब आप अपने अंदर मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी रहेगी, इतना कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर रहेगा, क्योंकि हाँ आपको ये सप्ताह वीक बहुत खुश रहने वाले हो, बहुत हैप्पी आप रहने वाले हो यहाँ पर। क्योंकि अभी तक जो भी आपकी एक मैं सच बताऊं ना कि जो भी आप अभी तक अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, विश्वास क्यों नहीं कर रहे थे कि आप किसी चीज से आप भागने की कोशिश तो कर रहे थे, मैं सच बता रही हूँ, किसी चीज से आप भाग रहे थे, या आपको जैसे कंफ्यूजन होता है या अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं जैसे हम मतलब अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं कि हम कौन हैं, हम कितने मतलब हमारे अंदर कितना नॉलेज छुपा हुआ है, कितने हम कितना मतलब एक सच कहते हैं ना कि एक नजरिया जैसे हर चीज को तराशने का, हर चीज को परखने का और हर चीज को गहराई में उतरने का, शायद उस चीज से आप अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये सप्ताह ये वीक मैं सच बताऊ ना कि आप है ना जो भी अब आपके सामने खुशियां आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जिसका भी आप वेट कर रहे हो, मतलब आप सर नहीं झुका रहे हो उसके सामने, मतलब गिव अप नहीं कर रहे हो या अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो, पूरे विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ और बहुत खुशी के साथ आप उसे रिसीव कर रहे हो और वेलकम करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। क्योंकि ये मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि एक ये यहाँ पर ये सप्ताह ये वीक सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने अंदर से एक जैसे कहते हैं ना कि हमारी अंदर से एक आवाज आती है, ठीक है, एक अकेलापन आपने बहुत पास्ट में बहुत अकेलापन आपने फेस करा है, ठीक है, किसी चीज का आपको जैसे बेसब्री से इंतजार था या आप उसका रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे या चीजें आपको समझ में नहीं आ रही थी, ठीक है, या फिर जैसे कहते हैं ना कि आपने किसी चीज का किसी के ऊपर बहुत काम, अपने खुद के ऊपर बहुत काम किया यहाँ पर, जैसे आपको आपको जैसे अपनी लाइफ को जैसे खुशियों से भरना है, बहुत बहुत नॉलेज गेन करनी है, बहुत कुछ जैसे जानना है, समझना है, अपने आप को जैसे मतलब किसी दुविधा से निकालना है, ठीक है, अब दुविधा देखो किसी किसी भी तरीके की हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, आपको सीधे किसी एक ऐसी मतलब कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटीज का या ब्लेसिंग्स का या मतलब कुछ ऐसा ऐसी जो हमें हील कर दे, जो हमें खुश कर दे, ऐसा कुछ आप इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपने है ना मतलब एक सच बताऊं ना आप बहुत आप ओल्ड सोल हो प्लस आप बहुत जैसे कहते हैं ना कि एक तो आप सच्चे हो, दूसरे आप ज्ञानी हो और थर्ड आप बहुत मासूम हो, ठीक है, मासूमियत से भरे हो, ज्ञान से भरे हो आप यहाँ पर, पास्ट में आपने जितनी भी मेहनत करी है, जितना भी हार्डवर्क करा है यहाँ पर, जितना भी अपने आप को कंफ्यूजन से निकाला है, अपने आप को बैलेंस करा है और आपने अपने सपनों के ऊपर बहुत काम करा है, बहुत पेशेंस भी रखा हुआ है यहाँ पर, बैलेंस रखते हुए मतलब चीजों को समझते हुए, ठीक है, और ज्ञान लेते हुए आप मतलब एक वो जो भी आप चाह रहे हो वो ये सप्ताह वीक आप देखोगे कि आप अपने आप को इतना जब कोई सक्सेस या कोई सपना हमारा पूरा होता है तो हम बता नहीं सकते कि कितना हमें अंदर से वो चीजें हील कर जाती, हमें वो खुश कर जाती हैं, ठीक है, यहां पर
हर्मिट है, हर्मिट मतलब किसी भी चीज को रिसीव नहीं कर रहा है, वो अभी लर्निंग स्टेज पर है। पास्ट में आप लर्निंग स्टेज पर रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो, काम कर रहे हो यहाँ पर, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब कुछ हम सब कुछ हासिल कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है, तो वहां पर सन की एनर्जी मतलब सब कुछ आप मतलब कंप्लीट कर चुके हो यहाँ पर, अब सन मतलब अब आपका जैसे आपका हर चीज का जैसे एक नए सवेरे से फिर नए सिरे से अपनी जिंदगी को यहाँ पर शुरुआत करना है यहाँ पर, ठीक है। किसी की बहुत ज्यादा हीलिंग हुई है यहाँ पर और बहुत मेहनत करी है आपने अपने ऊपर, अपनी अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को काबिल बनाने के लिए, अपने आप को किसी एक ऐसी सिचुएशन से निकालने के लिए, ठीक है, अपने आप को जैसे कुछ सपने हैं उसे सपनों को सच करने में, ठीक है, बहुत बैलेंस आपने किया है, अपने आप को जैसे उसके लायक बनाया है यहाँ पर। तो बस ये सप्ताही वीक आप देखोगे कि अब आप शाइन कर रहे हो एक ऐसी जर्नी की तरफ हो, एक ऐसे अपनी उस सपने के करीब हो जिसे आप शायद आपको कुछ पहले नजर नहीं आ रहा था। सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, वो आपको शायद आपको समझ में ही नहीं आ रही थी, लेकिन ये सप्ताही वीक आप देखोगे कि आपके अंदर वो पॉजिटिविटी है, वो ज्ञान है, वो नॉलेज है, वो सच्चाई है, ठीक है, जिसे आप बहुत अच्छे से बहुत खूबसूरती से आप जान भी रहे हो, समझ भी रहे हो। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन, आपके कोई डाउट था आपको अपने ऊपर किसी भी कैरियर से रिलेटेड, जिसे बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, तो वो डाउट दूर हो रहा है आपका, बहुत बैलेंस हो आप यहाँ पर और प्लस बहुत खुश हो आप यहाँ पर, और आप जैसे कहते हैं ना कि अपनी खुशी को लेकर बैठे हुए हो, आप अपने सपनों के साथ यहाँ पर जैसे कुछ रिश्ते नातों को भी बुनते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। एक ये सप्ताह ये वीक आप काफी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा को भी देखोगे ना आप, जो अभी तक शायद इससे पहले कभी फील नहीं करी होगी आपने। काफी आप जैसे हर चीज को एक अलग ही लेवल पे देखना मुझे आप पसंद करोगे यहाँ पर, ठीक है। एक आपको ऐसा फील होगा कि मतलब जिस चीज का मुझे इंतजार था, ठीक है, वो मैं अब यहाँ पर मैं खुद अपने तरीके से, अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से मैं अपने सपनों को खुद पूरा कर सकता हूँ, ठीक है। एक 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 बहुत अवेयरनेस मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपके अंदर, एक जागरूकता मैं देख रही हूँ आपके अंदर यहाँ पर, क्योंकि सन की एनर्जी में टैपिंग कर रहे हो सर, एक प्रकाश आपके ऊपर आ रहा है यहाँ पर, जैसे आप जाग रहे हो यहाँ पर किसी चीज से, आप जैसे आपकी जैसे क्रिएटिविटी, सबसे बड़ी बात है कि आपकी क्रिएटिविटी, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज, ये सब आप जैसे इस ऊर्जा में आप टैपिंग करने वाले हो, ठीक है। और वो चीजें जब आप अपने अंदर महसूस करोगे, मैं बता रही हूँ यहाँ पर कि आप अपने आप को ऐसा महसूस करोगे कि मतलब एक पास्ट में जितना आप अपने आप को मतलब खाली समझते थे, ठीक है, कुछ हासिल करना चाहते थे, तो वो आप अपने एक इस काबिल आप समझोगे कि हाँ आप हासिल कर रहे हो यहाँ पर, और खुद आपके आपकी खुशियाँ, आपके सपने, अब आपको ऐसा लगेगा कि हर चीज को मैं अपने तरीके से अपनी अपने वजूद पर यहाँ पर मैं मतलब खड़ा कर सकता हूँ, मैं इस काबिल हूँ यहाँ पर। ओके, एंड मैं यहाँ पर अब किसी का वेट करते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हो, क्योंकि आपको समझ में आ रही हैं चीजें, अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही आपको रास्ता पता था, लेकिन यहाँ पर आप किसी का वेट नहीं कर रहे हो, आपको पता है, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपने ऊपर काम करा है, मेहनत करी है, और वो जैसे कहते हैं ना कि मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लाती है, ठीक है। हमारे एक दुविधा से भी हम निकलते हैं और जिसके ऊपर मेहनत करते हैं उसका रिवॉर्ड भी हमें यहाँ पर मिलता है। थैंक यू सो मच। ये सप्ताह वीक और ये भी मैसेज मुझे मिल रहे हैं कि आपके सामने काफी अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं, जिसका भी आप इंतजार कर रहे थे
वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, जिसको लेकर आप बहुत खुश हो। स्पेशली मैं यहाँ पर किसी के रिलेशन में, रिलेशन को लेकर आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, तो आपके रिलेशन में भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत खुश हो आप यहाँ पर, ठीक है। आपकी बहुत, आपकी किसी से रिश्ते शायद ऐसे हो रहे थे, तो वहां पर भी आप अपने आप को जैसे हील कर रहे हो, आपकी कुछ हीलिंग भी हुई है यहाँ पर पास्ट में, ठीक है। मतलब जिसका भी आप इंतजार कर रहे हो वो सब कुछ ये सप्ताह भी आप देखोगे कि आपकी लाइफ में वो मतलब एक प्रकाश आपकी तरफ आते हुए देखोगे। जैसे कहते हैं ना कि सुबह होती है तो हमें एक उम्मीद की किरण, एक आशा की किरण, ठीक है, जैसे सब कुछ ठीक हो रहा है, हम आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज आ रही है, वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एक बहुत आप खुशी से, खुशी के अपने अंदर एक खुशी को महसूस करोगे। पेशेंस, यस, आपने एक टाइम पे जितना भी पेशेंस रखा है, क्योंकि ये एक लर्निंग स्टेज हमारी एक पेशेंस पर ही टिकी रहती है, कि जैसे हम कुछ लर्न करते होते हैं, मेहनत करते होते हैं, समझते होते हैं किसी, जैसे कुछ कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी हम जैसे कहते हैं ना अपने कर्मों पे फोकस करते रहते हैं, ठीक है, पेशेंस रखते हैं, कि जैसे कहते हैं ना कि एक साइकिल, एक लर्निंग स्टेज की एक साइकिल होती है, कि उसमें से कब निकलेंगे हम, और तभी हम जैसे अपने आप को प्रूफ कर पाते हैं यहाँ पर। तो एक पेशेंस, जैसे कहते हैं ना कि एक पेशेंस का सब्र, एक पेशेंस पल रहा है आपके अंदर, वो नॉलेज के रूप में, एक ज्ञान के रूप में, आपकी प्रतिभाओं के रूप में, यहाँ पर आप यहाँ पर मतलब आप आध्यात्मिक, मतलब मुझे कोई कोई ऐसा लग रहा है कि आप आध्यात्मिक जर्नी पर भी हो यहाँ पर, जैसे अपने ऊपर काफी जैसे खोजबीन करी है यहाँ पर, अपने आप को हील करा, अपने आप को इस काबिल बनाया है कि आप आपके जो भी सपने हैं वो खुद आप हासिल कर सको यहाँ पर, और पेशेंस रखते हुए, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक यात्रा होती है ये, इसमें सिर्फ हमें एक कहते हैं ना कि एक होप रखनी पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ता है यहाँ पर। तो एक ये सब दूर से दिमाग हटाकर सिर्फ भगवान की तरफ लगाना, ईश्वर के ऊपर ध्यान लगाना, अपने ऊपर यहाँ पर काम करना, मेहनत करना, जो भी आप चाहते हो मेहनत करना, और उसका उसका जैसे फल, उसका रिवॉर्ड ये सप्ताह वीक में आते हुए आपकी तरफ देख रही हूँ। काफी आप स्पिरिचुअल भी हो गए यहाँ पर, या ये सप्ताह वीक मैं सच बताऊ ना, आपके जो भी सपने हैं, सपने मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऑफर्स का, या करियर से रिलेटेड या रिलेशन से रिलेटेड आप किसी का वेट कर रहे हो, किसी का आप इंतज़ार कर रहे हो, या कोई फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हो, जिसमें आप जिसकी वजह से आप अपने सपने पूरे कर सको, जिससे आप अपनी खुशियों को पूरा कर सको, जिसकी वजह से जो सोचते हो आप यहाँ पर वो पूरा हो सके, ठीक है। तो जैसे उसके लिए, उसको उसको करने के लिए भी हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती, पेशेंस रखना पड़ता, हार्डवर्क करना पड़ता है हमें, तो वो किया है आपने, ठीक है। और जो भी आप अभी तक अपने, जैसे कहते हैं ना कि अपने सपनों के लिए जितना भी आपने पेशेंस रखा, या जितना भी अपने समय समय की, जैसे कहते हैं ना कि एक डिस्टेंस होती है कि उस तक पहुँचेंगे तभी हमें वो चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो वो जैसे आपने जो भी आपके बुना है ना, आपने जैसे आपकी एक आपके माइंड में एक पिक्चर है, ठीक है, या आप किसी चीज को सोचते हो या विचार करते हो कि मैं मतलब बैठे रहते हो यहाँ पर, वेट करते रहते हो, तो मैं सच बताऊँ ना कि यहाँ पर अब आप बैठने वालों में से नहीं हो, आप सपने, जैसे कहते हैं ना कि सपनों को सच करने वालों में से हो आप यहाँ पर। अब किसी का वेट नहीं करोगे यहाँ पर, क्योंकि एक साइकिल आपने कंप्लीट करी है, ठीक है, एक लर्निंग स्टेज से आप निकल रहे हो, एक जैसे कहते हैं ना कि आपने अपनों मतलब अपने अंदर वो जैसे कहते हैं ना कि आपने अपने आप को जगाया है यहाँ पर, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने ज्ञान को, अपनी अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो आप यहाँ पर, और खुद अपनी जैसे अपनी मंजिल और अपनी आप क्या सोचते हो, क्या विचार करते हो, आपके क्या सपने हैं,
ठीक है, जिन्हें आप दूर से निहारते हो, उसे आप अपने आप को बैलेंस कराए और वही आप पूरा करोगे। जो भी आपके दिलो दिमाग में चल रहा है, जिसके लिए आपने बहुत पेशेंस रखा है, वो देखोगे कि वो आपकी नाइन है यहाँ पर, आप उसके बहुत नज़दीक हो। किसी किसी के लिए तो वो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इतने, जब किसी की गुड न्यूज़ मिलती है, डेफिनेटली ऑफर्स तो आपकी तरफ यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो आप देखोगे कि हाँ सब कुछ, जैसे वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है, क्योंकि आप बदल रहे हो यहाँ पर, ठीक है। ओह गॉड, यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड, वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है, और क्या बोलूँ मैं, बताइए आप। अब आप पहले जैसे नहीं हो, पहले जैसे नहीं हो कि आप बस बैठे रहो, सोचते रहो, या कंफ्यूजन है क्या करूँ, कैसे करूँ, या मतलब दूर से ही देखते रहो, निहारते रहो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है यहाँ पर, अब जैसे कि जैसे आप, अब आपका समय बदल रहा है, क्योंकि आप बदल चुके हो यहाँ पर, आप हील हो चुके हो, आपको जैसे आपको रास्ता पता चला है, आपको वो, आपने वो ज्ञान अर्जित करा, आपने ऊपर काफ़ी मेहनत करी है यहाँ पर, क्योंकि आप अपने समय को पलट सको, क्योंकि आपका बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है, आपका बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, आपका दुविधा से एक निकलना ज़रूरी था, आपको एक सही एक ट्रैक पर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आप कोई कोई यहाँ पर देखो, मैं आध्यात्मिक यात्रा की बात करूँगी कि आपने बहुत मेडिटेशन, ध्यान, योगा या कुछ आपने लर्न करा है, जो भी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस करा है, उससे आपने बहुत नॉलेज गेन करी है, बहुत अपने आप को चेंज करा है, अपने आप को परिवर्तन करा है, बहुत हार्डवर्क करा है आपने आपको, ठीक है। तो ये सब कुछ, ये सप्ताह वीक आप देखोगे कि आप जो भी कुछ करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, ठीक है, वो आप करोगे यहाँ पर, क्योंकि अब कोई मतलब कोई ऐसा धुंधलापन नजर नहीं आ रहा है आपके अंदर, ठीक है। और प्लस यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ आपके लिए कि आप पहले जिस चीज को मतलब कुछ भी अपॉर्चुनिटीज आती थी, ब्लेसिंग्स आती थी, तो आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, या उसे जैसे कहते हैं ना कि उसके बारे में समझ नहीं पाते थे, या इतना जैसे कहते हैं ना कि गहराई से किसी चीज को जानना तभी हमें उसमें सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती, बहुत ज्यादा शायद डर जाते थे, घबरा जाते थे, तो यहाँ पर वो नहीं है। ये सप्ताह ये वीक आपका जैसे कुछ हर चीज को बहुत, अब आप पहली बात तो ये कि आप अकेले नहीं हो, ठीक है, आपकी, आप ये सप्ताह ये वीक आप देखोगे कि आप अपनी खुशियों के साथ हो, आप अपने सपनों के साथ हो यहाँ पर, क्योंकि हर चीज जैसे कहते हैं ना कि चीजें जब कब बदलती है, कि जब पहले अपने आप को बदलना पड़ता है, तो धीरे नजरिए को बदलना पड़ता है, अपने स्वभाव को, अपने आप से कनेक्ट होना पड़ता है, अपनी सोल से कनेक्ट होना पड़ता है, ठीक है। तो वो जितनी भी हमारे अंदर प्रतिभाएं, ज्ञान छुपा हुआ रहता है, वो सब बाहर निकल के आता है, ठीक है। एंड लेजीनेस, पहले देखो आप है ना, एक समय कह लो या कुछ भी कह लो यहाँ पर, कि आप बहुत कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते थे, जैसे बस बैठे रहना, इंतजार करके, ये चीजें समझ नहीं आती थी आपको, मेहनत, हार्डवर्क करना, मेहनत करना किसी चीज को पाने के लिए, कितना मतलब क्या, किस रास्ते से गुजरना पड़ता है, कैसे क्या एक्सपीरियंस करना पड़ता है हमें, वो शायद आप वो शायद नहीं था। वो कहते हैं ना कि बैठे बिठाए कोई चीज मिल जाए तो अच्छा है, पर उसमें भी आप खुश थे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जैसे अब समय बदल रहा है, यहाँ पर समय बदल रहा है, लेकिन अब मैं एक बात बताऊं यहाँ पर कि जितना भी आपने पेशेंस रखा है, जितना आपने हार्डवर्क करा है ना, जितना भी आप अपनी जैसे हर चीज को आप बहुत दिल से सोचते हो, गहराई से सोचते हो आप यहाँ पर, तो वो, और वो उस तरीके से होगी भी आपके साथ यहाँ पर, काफी आप मतलब एक, आप अपनी खुशियों के साथ इंजॉय कर रहे हो, आपका मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको वेट आपका ज्यादा बढ़ रहा है, एक जगह बैठे रहते हो आप यहाँ पर, आप, लेकिन आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा नेचर में जाओ, आप वॉक करो, आप
पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश करो आप यहाँ पर, क्योंकि मुझे आपकी हेल्थ बहुत मतलब एक ऐसी नज़र आ रही है कि आप एक जगह बैठे रहोगे ना तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दो यहाँ पर। और यहाँ पर साइलेंस, यस, ये सप्ताह ये वीक आप देखोगे कि आप है ना हर चीज को बड़ी एक ध्यान, जो पहले ध्यान से नहीं देख पाते थे, ठीक है, एक पर्टिकुलर किसी एक चीज पे आपका ध्यान जाता नहीं था या बहुत दुविधा होती थी, भटकन होती थी, लेकिन ये देखोगे कि आप है ना अब अपने ऊपर बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, एक साइलेंट हो आप यहाँ पर। ठीक है, और हर चीज को जैसे कहते हैं ना कि जब हम साइलेंट होते हैं, हम साइलेंस होते हैं, तभी हम अपने भीतर से जो चीजें, एक खजाना जो छुपा हुआ है हमारे अंदर, उससे हम कनेक्ट हो पाते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक ये सप्ताह वीक आप देखोगे कि आप है ना काफी आप अपने अंदर एक अलग सी ऊर्जा को आप महसूस करोगे, क्योंकि यहाँ पर आप आध्यात्मिक भी हो। ओके, एक काफी चीजें क्योंकि आपके लाइफ में बदल रही हैं, चेंजेस, ये सप्ताह वीक आप अपने आप को बहुत चेंज होता हुआ भी देखोगे, क्योंकि आप बहुत एक ऐसे पास्ट से निकल रहे हो ना जहां पर एक अंधकार था, लेकिन ये अब जो आगे आ रहा है ना आपका, जैसे खुद आपके अंदर एक भीतर एक प्रकाश आप देखोगे ये सप्ताह वीक। बहुत शांति को महसूस करोगे, चुप रहना ज्यादा पसंद करोगे। ठीक है, और एक किसी भी चीज का मुझे एक ऐसा ऐसी फीलिंग आ रही है कि जहां जैसे कहते हैं ना कि साइलेंट हो जाता है तो फिर कोई भी चीजें आपको इफेक्ट नहीं कर सकती, तो ये सप्ताह ये वीक है ना आपको कोई भी मतलब कोई भी बाहरी कोई शोर शराबा या कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो आपके ऊपर प्रभाव छोड़ सके या आपको इनबैलेंस कर सके या आपके कॉन्फिडेंस को कम कर सके यहाँ पर, क्योंकि आप अंदर से बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, मैं यहाँ पर आपके मतलब मून एनर्जी, ओके, मून की एनर्जी, आपका इंट्यूशन, ठीक है, आपकी सोल, आपकी अंतरात्मा से आप बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहे हो और इसी वजह से इतना पॉजिटिव चेंजेस मैं आपकी लाइफ में यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, एंड मैं चक्र से देखती हूँ ये सप्ताह वीक आपका कैसा रहने वाला है। अब वो कहते हैं ना कि वो वक्त गया कि जहां पर हम समय लगाते हैं, चीजों को समझते हैं, लर्निंग स्टेज पर रहते हैं, अब वो समय है कि सब कुछ देख लिया है, कंप्लीट कर लिया, अनुभव करा है, अब उस पर अमल करना, पेशेंट। ये सप्ताह वीक आपको कि कहाँ पर दिलचस्पी, किस चीज में रुचि है, उसका डिसीजन आप लेते हुए नजर आ रहे हो। मतलब आपको पहले समझ ही नहीं आ रहा था कि आपको करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है यहाँ पर, है ना, तो आपको वो चीजें आपको समझ में आ रही हैं यहाँ पर। आप जिस काम में आपकी दिलचस्पी है, मतलब एक पहले आपका ध्यान किसी काम में लग नहीं पाता था या आपको आपको दिलचस्पी नहीं आती थी, आपका इंटरेस्ट नहीं आता था, तो अब आपका इंटरेस्ट भी आ रहा है और उस काम को बहुत दिल से कर रहे हो, मन से कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर की दुविधा आपने खुद ने शांत करी है यहाँ पर। आइसोलेशन, पहले मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप मैं सच बताऊँ ना कि आपने अपने आप को सबसे अलग रख के, ठीक है, एक ऐसा समय निकाला है कि जहाँ पर शायद ये नहीं करते ना तो शायद इस सिचुएशन में भी नहीं होते आप यहाँ पर। आइसोलेशन से अपने आप को निकाला है यहाँ पर, और इस अकेलेपन ने, इस आइसोलेशन ने आपका, आपके जैसे आपके होने का वजूद, ठीक है, आपके अंदर की डर, आपके अंदर के भय, कंफ्यूजन, इन सब चीजों, ये जो अकेलापन है ना,
इसी से आपको मिला है और इसी अकेलेपन ने, इसी आइसोलेशन ने, मैं बता नहीं सकती आपको कहाँ से कहाँ वो लेकर आ रहा है। तो कभी भी जब भी अकेले होते हो तो उस चीज को मतलब नेगेटिव वे में मत लिया करो, उसे पॉजिटिव लो आप यहाँ पर कि क्यों ईश्वर ने हमें एक मतलब एक ऐसे सबसे अलग कर दिया है, क्या ईश्वर क्या चाहता है हमसे। ऑब्वियसली के मतलब भीड़ में कुछ नहीं किया जा सकता और एकांत में शांत में हम दुनिया को जीत सकते। सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को जीतना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। बैलेंस यहाँ पर ये सप्ताह वीक बहुत काफी आप मतलब अपने काम के ऊपर फोकस लगाओगे, साइलेंट रहोगे, बैलेंस रहोगे आप यहाँ पर, क्योंकि बहुत चेंजेस मैं आपके अंदर यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, ये सप्ताह वीक कनेक्ट विथ गाया, ये आप है ना, ये सप्ताह वीक आप मतलब अपने आप को खुश रखना, अपने आप को हील करना, और मतलब कहते हैं ना कि अपने आप को ब्लास्ट समझना, ठीक है, कि अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि सरेंडर की ऊर्जा में ले जाना, क्योंकि साइलेंस है यहाँ पर। साइलेंट बैलेंस, बैलेंस आप कहाँ से हो रहे हो यहाँ पर, कि एक सरेंडर की ऊर्जा में आप जा रहे हो, मतलब कुछ भी आपको किसी से मतलब ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं है आपको यहाँ पर, और आप नेचर से आप बहुत ज़्यादा हीलिंग ले रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है, नेचर से नेचर के थ्रू आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिला है, ठीक है। एंड मेक ए मूव, यस, ये सप्ताह ये वीक है ना, आप किसी सिचुएशन से मूव कर रहे हो, ठीक है, एक मूविंग आपकी हो रही है यहाँ पर। काफ़ी आप जैसे आप एक आइसोलेशन में थे, लेकिन यहाँ पर आप बहुत हैप्पी हो रहे हो, खुश हो रहे हो, बैलेंस हो आप यहाँ पर, और सिचुएशन को बदलने की या सिचुएशन को जानने की, समझने की कोशिश भी आप कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। एंड एक मिनट हाँ, इस वीक यस, ये सप्ताह वीक मैं सच बताऊँ ना, आप अपनी खुद की हीलिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, अपने काम पर ज्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है, और अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि आपका आपने जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ हीलिंग विजडम इज सफ्रेसिंग स्टॉप एंड लिसन या साइलेंस, ये जितना भी आपने ये आपने ज्ञान अर्जित करा है, ठीक है, और अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि शांत आपने किया है यहाँ पर, ठीक है, अब बैलेंस हो इस सप्ताह वीक, क्योंकि आपकी हीलिंग प्रोसेस भी चल रहा है यहाँ पर किसी का, तो ये सप्ताह वीक आपके बोला यही जा रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब साइलेंट रहना है और आपको सुनने पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, चुप रहना है, बैलेंस रखना है, अपने काम से काम रखना है, ठीक है, और सुनो आप, क्योंकि मतलब आपको जितना आप चुप रहोगे, ठीक है, उतना ही आप अपनी मतलब हीलिंग को महसूस करोगे, हीलिंग जो भी आपकी तरफ हीलिंग आ रही है, जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जो भी खुशियां आ रही हैं, उसे तभी आप महसूस यहां पर कर पाओगे। अगर मतलब आप इनबैलेंस रहोगे, ठीक है, तो आप जो भी आपकी तरफ आ रहा है उसे महसूस नहीं कर पाओगे। विजडम आ रही है आपकी तरफ, ज्ञान आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, बैलेंस की ऊर्जा आ रही है, हीलिंग की ऊर्जा आ रही है आपकी तरफ यहाँ पर। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें हुई हैं आपके साथ, मतलब रुको, थोड़ा सा थम जाओ, रुको, और जो कुछ आ रहा है उसे रिसीव करो यहाँ पर, उसे सुनना है आपको, महसूस आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सप्ताह ये वीक आपके लिए काफ़ी काफी अलग वे में जाने वाला है। ग्रेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन, माय गॉड, ये सप्ताह वीक मैं सच बताऊ ना आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है।
एक बहुत बड़े बदलाव से आप यहाँ पर गुजरने वाले हो, ठीक है। आइसोलेशन से निकल रहे हो, एक साइलेंट की ऊर्जा में आप जा रहे हो यहाँ पर। सिर्फ आपको सुनना है, जो भी आ रहा है उसे रिसीव यहाँ पर करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको सुनने के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपने अपने अंदर जो भी तूफान था, जो भी नकारात्मकता थी, वो सब रिलीज करी है आपने यहाँ पर, ठीक है। और एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो ये सप्ताह, ये वीक, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए बोला यही जा रहा है कि जो भी हीलिंग आ रही है, जो भी पवित्र ऊर्जा, एक स्वर्ग की, एक स्वर्ग से जो भी मैसेजेस आ रहे हैं आपको, स्वर्ग दूत से या यूनिवर्स से या एंजल्स से, जो भी कुछ आपकी तरफ यहाँ पर डेफिनेटली आ तो रहा है। तो ये क्यों? क्योंकि आपको आपके अंदर उसकी वजह से आप अपने अंदर बदलाव को महसूस करोगे, ठीक है। और यहाँ पर रिलेशन में, एक आपके जो रिलेशन में जो कुछ भी खिचड़ी पकड़ी थी, जो कुछ भी चल रहा था आपकी लाइफ में, ठीक है, वो रिलेशन में भी आपके बहुत चेंजेस हो रहे हैं, बहुत बदलाव आप देखोगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत कुछ आपकी तरफ न्यू एनर्जीज आ रही हैं, बहुत चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो यहाँ पर, ओके। तो ये सप्ताह वीक आपको बिल्कुल शांति से रहना, बैलेंस करना है, और जो कुछ भी आ रहा है उसे रिसीव यहाँ पर करने की जरूरत है, ओके। तो ये सप्ताह वीक आपके लिए एक, ये सप्ताह वीक आपका कौन सा स्विच वर्ड्स निकलता है, क्या आपको बोलने की जरूरत है, बार बार दोहराने की जरूरत है, देखते हैं ये सप्ताह वीक में टू लूंगी मैं यहाँ पर, ओके। हनुमान बाबा, माय गॉड, एंड ओ गॉड, दोनों में हनुमान बाबा आए हैं आपके लिए, मतलब कोई तो यहाँ पर हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इतना चेंजेस हुए हैं। सब अपने अपने धर्म से ले लेना आप यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट कार्ड में आपके लिए यहाँ पर आया है, एक बार अगर आप अपनी नकारात्मकता सोच को निकाल कर सकारात्मक सोच अपना लेंगे तो चमत्कारी परिणाम बहुत ही जल्द आने शुरू हो जाएंगे। आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको बस चुप रहो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ठीक है, पॉजिटिव रहो, क्योंकि आपके अंदर वो प्रकाश आ रहा है, वो पॉजिटिविटी आ रही है, तो उसे महसूस करो, ठीक है। तब देखो आपकी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस, बदलाव है यहाँ पर हो रहे हैं। बाबा हनुमान बाबा आपको बोल रहे हैं, आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, आपको देखो कितना बदलाव उन्होंने किया है आपकी लाइफ में यहाँ पर। मंगल और आज शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, ठीक है, किसी के लिए मैसेज आया है यहाँ पर, और जो करते हैं उनके लिए बोला जा रहा है, उनसे बाबा बहुत खुश है, और उन्हीं की लाइफ में ये इतने चेंजेस बाबा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और सेकेंड कार्ड में यहाँ पर आया, अगर आप कहीं भी किसी भी राह में रुकावट पाएं तो आप अपने माता पिता या किसी निकटतम मित्र से सहायता लें, यह समय अकेले चलने का नहीं है। किसी के लिए जैसे कन्फ्यूजन है, दुविधा है, या समझ नहीं पा रहे हो आप यहाँ पर, किसी ऐसी प्रॉब्लम में हो आप यहाँ पर, तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि अपने माता पिता या जिस पे भी आप विश्वास करते हो उनसे आप एडवाइस लो, वो हनुमान बाबा क्या ही आंसर देंगे आपको, ठीक है। आपको रोजाना संध्या काल के साथ हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो ये बाबा आपको, हनुमान बाबा का संदेश है ये सप्ताह, इस वीक के लिए, कि वो आपको ये मैसेजेस दे रहे हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, एंड जय बजरंग बली।